हेलो। तो नेक्स्ट डे आता है अपना मंडे के बाद ट्यूसडे। ट्यूसडे में हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो वेट ट्रेनिंग में आपको आप ग्राउंड में पहुंचते हैं, तो वहां पर जाके आपको फिर अगेन थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करनी है, क्योंकि बॉडी आफ्टर थ्रोइंग पिछले दिन के हिसाब से टाइर्ड होती है, मसल स्टिफनेस होती है। थोड़ी आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, उसके अंदर रोलिंग कर सकते हैं, मैट के ऊपर लेंग डाउन होके आप लेट के रोलिंग कर सकते हैं, ग्रोइन की कर सकते हैं, लोअर बैक की कर सकते हैं, फ्रंट मसल काफ्स की, ये सारे की आप रोलिंग कर सकते हैं। तो अब वार्म अप कितना होना चाहिए वेट ट्रेनिंग से पहले? वेट ट्रेनिंग से पहले वार्म अप आपका 800 मीटर होना चाहिए, ठीक है। 700-800 मीटर वार्म अप इनफ है। उसके बाद आपको अगले दिन कोई एबीसी एक्सरसाइज नहीं करनी वेट ट्रेनिंग से पहले। वेट ट्रेनिंग से पहले आपको जस्ट 3 स्ट्राइड मारनी है, 60 मीटर 80 मीटर मान लो, आपको 3 लॉन्गर स्ट्राइड मारनी है। एफर्ट ज़्यादा नहीं लगाना और ऑल आउट नहीं लगानी, इजी रिलैक्स लगानी है आपको, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्राइड हो गई। उसके बाद आप जिम में जाते हैं, तो जिम में जाके आपको क्या क्या करना है, अब मेन चीज उसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले जाते ही आप रॉड के साथ वार्मिंग अप कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाते ही रॉड के ऊपर आपको 30 kg डाल लेना है, और सबसे पहले गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज करनी है, ताकि आपकी बैक वार्मिंग अप प्रॉपरली हो सके, लोअर पोर्शन, ठीक है। ये सेंटर है हमारा, ये इंपॉर्टेंट है सबसे। इसके लिए आपको गुड मॉर्निंग एक्सरसाइज ये वाली कर सकते हैं, या तो नेक्स्ट में आप एक बॉक्स के ऊपर, बेंच के ऊपर हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हैं। तो हाइपर 10-10 के 2 सेट लगाओ एक बॉक्स के ऊपर, सबसे पहले जाते ही हाइपर हो गए, बैक आपकी प्रॉपर वार्म अप हो जाती है। देन आपका सेट आता है स्नैच करते हैं, सबसे पहला सेट होता है स्नैच। स्नैच अकॉर्डिंग टू योर पावर स्ट्रेंथ जो भी है, जितनी भी पर्सनल बेस्ट है, पर्सनल बेस्ट की कोशिश नहीं, अगर आप ऑफ सीजन में हैं तो आपको 70% पे जाना है, 70% टू 80% भी जा सकते हैं। 80% में मान लो मेरी 100 की बेस्ट है स्नैच, तो मेरे को 80 किलो तक जाना है, ठीक है। बट 80 से भी अगर डाउन हो सकता हूँ, 75 kg तक भी कर सकता हूँ, बट मैटर करता है कि हमें ऑफ सीजन के अंदर रेपिटेशन वर्क ज़्यादा करने हैं। मेरे को 40 kg का एक जस्ट वार्म अप सेट ले लेना है, जिसके अंदर मेरे को 8 रेपिटेशन लगाना है। फिर मेरे को पहला सेट आता है 50 से काउंट करना है, मेरे को 50 kg का पहला सेट होगा जिसके अंदर मेरे रेपिटेशन 8 होंगे। देन 60 kg है, 8 रेपिटेशन होंगे। देन 70 kg है, रेपिटेशन 8 होंगे। 75 है, रेपिटेशन 8 होंगे। देन अगेन 75 है, रेपिटेशन 8 होंगे। ये मेरी स्नैच कंप्लीट है, इसके अंदर मेरे 4 सेट हो गए, वार्मिंग अप वाला पा के 5 हो जाते हैं, 5 सेट करने हैं। ऑफ सीजन में है, नेक्स्ट सेट आ जाएगा स्क्वाट। स्क्वाट आपको हाफ नहीं करनी, कोशिश करो सीजन के अंदर जाके आप हाफ से डाउन करो, ये आपकी हाफ हो जाती है, आपको यहाँ कर तक करनी है। आप बेंच रख सकते हैं, विदाउट बेंच भी कर सकते हैं। अगर बेंच रखो तो सपोर्ट नहीं लेना, जस्ट टच एंड अप, पैर के नीचे, हील्स के नीचे आप यहाँ पर प्लेट रख सकते हैं, आप पीछे ना गिरो। तो उसके लिए फुल स्क्वाट के लिए, फुल स्क्वाट आपको स्टार्ट कर लेनी है 60 kg से। मैं अपनी बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज निकाल लेना, ये नहीं कि मैंने अपनी 100 बताई, आप 100 kg की स्नैच नहीं होगी किसी की, हो सकता है किसी की 130 किलो की भी हो, वो 75 की नहीं करेगा। तो स्क्वाट बिगनर्स के लिए तो ज़्यादा हैवी नहीं करनी, उनको रेपिटेशन वर्क करना है, बट उनको हैवी वेट ट्रेनिंग में नहीं जाना। तो जो मिडल्स हैं, जैसे 18-20 वाले हैं, वो कर सकते हैं, वो करेंगे, फुल स्क्वाट करेंगे ऑफ सीजन के अंदर। ऑफ सीजन में फिर बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिशन में 4 से 5 महीने पड़े हैं, वो ऑफ सीजन में है, जिसके अंदर सीजन ऑफ हो चुका है, आपका कॉम्पिटिशन नहीं है, सीजन के पास आके आपको वेट ट्रेनिंग चेंजिंग मिल जाएगी। तो स्क्वाट आ जाती है 60 से स्टार्ट हो जाता है, 60 पे पहला सेट 8 रेपिटेशन, 70 या 80, मेरा 80 पे होता है, 60 के बाद 80 पे 8 रेपिटेशन, देन 100, 110, 120, 130, 140, ये कर सकते हैं। तो लास्ट तक भी आपको 6 to 8 करने, मिनिमम 6, ये आपकी स्क्वाट भी कंप्लीट हो जाती है। देन नेक्स्ट आ जाती है पुल ओवर, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इन जेवलिन। पुल ओवर आपको फ्लेक्सिबिलिटी शोल्डर की वो इंक्रीज करती है, वो आपको कोशिश करो कि हिप उठा के नहीं करनी, हिप नीचे लगे लगाए शोल्डर को पीछे छोड़ देना एकदम,
तो ये पुलओवर्स आपको, वो भी सेम है, रेपिटेशन ऑफ सीजन में है, 8 रेपिटेशन, मिनिमम 6 रेपिटेशन। सपोज मैं अपनी बता देता हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप परसेंटेज निकाल लेना, 40 kg के 8, 50 के 8, 60 के 8, 70 के 8। और मैं ये चेस्ट वाली नहीं लगाता, दो टाइप की होती है, स्ट्रेट आर्म देन पुलिंग चेस्ट तक। तो ये आप चेंज कर सकते हो, एक दिन आप स्ट्रेट आर्म कर सकते हो, नेक्स्ट वेट ट्रेनिंग में आप पुलिंग कर सकते हो, पुल ओवर की एक्सरसाइज हो जाती है। देन आपको करना है, पहले था आर्म्स का स्नैच, फिर स्क्वाट आ गई, फिर पुल ओवर, फिर आर्म की है, नेक्स्ट फिर काउस मसल है, ये इनकी एक्सरसाइज करनी है, हिल राइज जिसको बोल लेते हैं, काउस की एक्सरसाइज करनी है। ये आपको 60 kg तक मिनिमम करनी चाहिए, 2 प्लेट्स रख लो हैवी, उसके ऊपर काउस वो कर रहे हैं, इसके 4 सेट कर रहे हैं, रेपिटेशन होंगे 18-20 चार में, ये हो जाता है। उसके बाद आपको स्टैंडिंग प्रेस कर सकते हो खाली, जहाँ हल्की पुश ले सकते हो, नी बेंड करके ऊपर को प्रेस कर सकते हैं। इसके रेपिटेशन भी आपको मैक्सिमम नहीं जाना, क्योंकि ऑलरेडी स्नैच में पावर लग चुकी है, पुल ओवर में लग चुकी है, अब ये चीज़ें इजी छोड़नी है थोड़ी, पूरे शोल्डर स्टिफ ना हो, मूव नहीं करेंगे, स्ट्रेच नहीं होंगे, तो फिर वो कोई फायदा नहीं है वेट ट्रेनिंग का। अब आपको ये हो गया, फ्रंट प्रेस हो गई, बैक प्रेस हो गई, देन आपको हिप थ्रस्ट कर सकते हो। हिप थ्रस्ट आपको हैवी लेके जाने चाहिए, क्योंकि लोअर बैक की एक्सरसाइज है और ग्लूट की एक्सरसाइज है, ग्लूट में स्ट्रेंथ बहुत चाहिए। तो हिप थ्रस्ट क्या होता है कि आपने देखे होंगे, लगभग सबको पता ही है, ये इतना हिस्सा आपको बेंच के ऊपर लेना है, बाकी ये लोअर पोर्शन आगे जाएगा, यहाँ वेट रखना है आपको इस एरिया के अंदर, और डाउन जाना है अप जाना है, डाउन जाना है अप जाना। तो इसके भी 8-8 रेपिटेशन, और मैं स्टार्ट करता हूँ 100 kg से, आप स्टार्ट कर सकते हो, अगर बिगनर्स हैं तो 30-40, अगर मिडल्स हैं तो 60-80, इससे स्टार्ट कर लेना। देन आपकी ये वेट ट्रेनिंग कंप्लीट है, आफ्टर वेट ट्रेनिंग आपको स्ट्रेचिंग करनी है, या 20 मिनट एटलीस्ट, 20 से मिनट से आधा घंटा आपको अपनी रिहैब के ऊपर देना, चाहे आप इंजर्ड हो चाहे नहीं हो, आपको लगता है मेरे शोल्डर में फ्लेक्सिबिलिटी कम है तो आपको रिहैब एक्सरसाइज करनी है, जो भी हैं, आपको एल्बो में कम है तो आप प्लेट्स के साथ ये रोटेशन जो मेरी वीडियोस हैं वो देख कर सकते हो। उसके बाद आपको लगता है कि नी की कम है तो नी की एक्सरसाइज कर सकते हो, 30 मिनट्स आपको इन चीज़ों के ऊपर देने हैं, जो मसल कम है, स्ट्रेचिंग कम है तो स्ट्रेचिंग बढ़ानी है, विद जेवलिन के साथ आपको ये रोटेशन देनी है, ये सारा कुछ करना है, उसके बाद आप स्ट्रेचिंग करते हो, ये आपका मॉर्निंग का वर्कआउट हो जाता है, फिर जाके अच्छा ब्रेकफास्ट रेस्ट जो भी आपको बोला है वो। अब शाम के टाइम को आपको ऑफ सीजन में है तो आपको वार्मिंग अप, वही 800 मीटर्स करना है वार्म अप, देन आपको 800 मीटर वार्म अप्स के बाद एक्सरसाइज करनी है, और उसके बाद आज भी एबीसी नहीं करनी, 4 स्ट्राइड मारनी है 80 मीटर की, उसके बाद आपको फास्ट बाउंडिंग करनी है, वो होगी आपकी 60 मीटर की, ठीक है, उसके होंगे 5 सेट या 6 सेट। 40 मीटर बाउंडिंग करनी है आपको तेज, थोड़ा रनिंग देन बाउंडिंग स्टार्ट कर देना, 40-50 मीटर हॉपिंग बाउंडिंग होती है, जो जंपर्स करते हैं वो बाउंडिंग करो आप। उसके बाद आपको बाउंडिंग करने के बाद आपको बॉक्स जंप करने हैं, स्मॉल, मीडियम, मीडियम और मीडियम, स्मॉल के ऊपर कंटिन्यूस आपको जैसे बोथ लेग 20 जंप करने हैं, मीडियम के ऊपर 20 करने हैं, अप से 20 करने हैं, उसके बाद आप पे 20 करने हैं, फिर आप सिंगल लेग कर सकते हो, दोनों के ऊपर एक लेग के ऊपर आपको 15 रेपिटेशन देने हैं, 15-15-15 वो भी हो जाएंगे। उसके बाद आपकी आ जाती है बैक थ्रो, फ्रंट थ्रो, जर्नल थ्रो जिनको भी बोल लेते हैं हम, वो 4 kg हो सकती है, 5 kg से हो सकती है, 6-6 थ्रो बहुत है ये, इसका कोई जेवलिन में रोल नहीं है कि जेवलिन बढ़ती है इनसे, ये फॉर योर शोल्डर ओपनिंग के लिए होती है, ओवरहेड होती है तो बैक स्ट्रेच होती है, बैक को करते हैं तो शोल्डर स्ट्रेच होते हैं, ओवर फ्रंट भी करते हैं, तो ये 6-6 थ्रो करनी है। इंपॉर्टेंट है आपको 4 kg से ओवरहेड जरूर करनी है, बेल्ट लगा लेना अच्छे से, ये जर्नल थ्रो हो गई, उसके बाद मेडिसिन बॉल से थोड़ी ट्विस्टिंग करनी, थोड़ी स्ट्रेचिंग करनी, इनफ। ये आपका ट्यूसडे का वर्कआउट है, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का, इससे हैवी भी कर सकते हैं, इससे लाइट भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर पावर। ओके, मिलते हैं वेडनेसडे की वीडियो में, थैंक यू।